जय माता दी दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्म भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे, तगड़ी तरीके से कर रहे होंगे आप लोग तैयारी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, एक बार स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत प्यारी चीज़ें बताऊँगा और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और 100% करेगी। इस चीज़ की मैं आपको पूरी पूरी गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप, शुरू से लेकर एंड तक। चाहे आप 1.5 की स्पीड पे देखो, चाहे 1.75 की स्पीड पे देखो, वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। पहला अक्टूबर का महीना, दूसरा नवंबर का महीना, तीसरे में आपका पेपर है। समझने की कोशिश करो, पहले पेपर को समझने की कोशिश करो, उसके बाद तैयारी करने जाओ। पहले पेपर को तो समझो कि पेपर है क्या। जब तक पेपर को ही नहीं समझोगे कि पेपर क्या है, तुम कैसे तैयारी करने लग जाओगे कि मैथ्स उठा ली, कहीं से भी कर ली, किससे पढ़ ली, कहीं पे पढ़ ली, कुछ भी पढ़ ली, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैथ्स का कोर्स भी बहुत बड़ा है, इंग्लिश का कोर्स भी बहुत बड़ा है, एसएससी का कोर्स ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 महीने पढ़ोगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तरीके से पढ़ोगे, सही चीज़ों को पढ़ोगे, समझदारी से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। स्टडी स्मार्टर देन हार्डर, ठीक है। लेकिन अभी जो टाइम है, तुमको मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्मार्टली मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो जो चीज़ समझाना चाहता हूँ? तो आज मैं तुमको यही बताना चाहूँगा, बुक्स बहुत सारी मत ले लेना कि किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसने ये बुक बता दी तो वो खरीद ली, उसने बता दी वो बुक तो वो खरीद ली। समझने की कोशिश करो एग्ज़ाम क्या है, क्या चल रहा है। भाई 2018 से लेकर, मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई 2018 से लेकर 2021 तक के तुम्हें बस पेपर को सॉल्व करना है। चाहे तुम जीके ले लो, चाहे तुम इंग्लिश ले लो, चाहे तुम मैथ्स ले लो, चाहे तुम रीजनिंग ले लो, यार उसके बाहर कुछ है ही नहीं। जो लेवल है पेपर का, एसएससी का जो लेवल उठाया है वो 2017 के बाद से उठाया है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो चीज़ है रियली, जो चीज़ चल रही है मार्केट में, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। भाई 2018 से लेकर 2021 तक 4 साल के पेपर होते हैं, 4 साल उसको सॉल्व करो। मैथ्स के अंदर करीब तुम्हारे 8,000 के लमसम क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, ठीक है, अगर 4 साल के देखे जाएँ तो, 2018 से लेकर 21 तक के। ऐसे ही तुम क्वेश्चंस की बात करोगे रीजनिंग की, ऐसे ही तुम मैथ्स की बात करोगे तो इनके भी कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट हो चुके हैं। तुम्हारे इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, तुम बोलते हो यार हम प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो भाई पहले प्रीवियस ईयर वोकैब तो क्लियर करो, तब जाके तो नंबर आएंगे। तुम बोलते हो जीके में नंबर नहीं आ रहे, तुमको पता ही नहीं जीके में है क्या, तुमको यही नहीं पता कि जीके में छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, तुमको यही नहीं पता कि मैथ्स में क्या छोड़ना है। प्रेजेंट टाइम पे मैथ्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुमको छोड़नी पड़ेगी और वो तुम ही डिसाइड करोगे। तुमको ही पता है कि तुम्हारी मैथ्स में क्या चीज़ कमज़ोर है, क्या चीज़ सही है। जिस चीज़ को तुम्हें लग रहा है कि डाउट है कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं होगी, तो उस चीज़ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई। वो चीज़ पढ़ो जिसको तुम्हें लगता है कि हाँ ये मैं 100% कर ही लूँगा, लेकिन उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ो कि वो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बनाने ही बनाने हैं क्वेश्चन। क्योंकि भाई पेपर अब सिर्फ क्वालिफाइंग है, तुम्हारा नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं प्रीलिम्स के। तुम्हारे को मुश्किल से हद मार के 120-125 नंबर चाहिए, तो उस पर फोकस करो। समझ रहे हो? आज मैं बुक्स लेकर के आया हूँ, जो यहाँ पर आपने देखा होगा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बुक्स, जिनसे मैंने तैयारी करी, ठीक है। पहले मैं उन बुक्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, देखो मैंने बहुत पढ़ाई भी बहुत करी है मैंने, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि 6 महीने पेपर क्लियर कर दिया हो, या इतने महीने पेपर क्लियर कर दिया हो, 1 साल में पेपर क्लियर कर दिया हो, ठीक है। मेरे को तो भाई बहुत टाइम लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत टाइम लगा है। लेकिन मेरे को टाइम क्यों लगा है और आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैथ्स की जो कि नहीं पढ़नी थी मेरे को। मेरे को एक बुक पकड़नी थी मैथ्स की, एक नोट्स पढ़ने थे मेरे को मैथ्स के, वो कंप्लीट करना था मैथ्स को, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में, मेरे कुछ और गोल्स थे, ठीक है। इसीलिए शायद आज मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझाना चाहता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको पेपर निकालना है, तुमको जॉब लेनी है, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। पहले जॉब पर फोकस करो, उसके बाद जो करना है वो करना। अब देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। कोई बुक्स कहीं से नहीं खरीदनी है, केवल तुम्हें 4 से 5 बुक्स खरीदनी है। उसके अलावा तुम्हें कोई बुक कोई भी बोले कुछ नहीं खरीदनी है। पहले तुम्हारा सबसे पहला टारगेट जो है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर। तुम पहले प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करो, उसके बाद तुम चीज़ों को पढ़ने जाओ, उसके बाद तुम अलग से नॉवेल्स पढ़ने जाओ, तुम उसके बाद जो करना है वो करो यार। पहले तुम्हारा प्रीवियस ईयर तो ख़त्म करो, प्रीवियस ईयर तो पढ़ो। देखो, सबसे पहले मैं तुमको आज रीजनिंग के लिए बताना चाहूँगा। रीजनिंग मेरे 44 मार्क्स है 50 में से, ठीक है। 44 मार्क्स है मेरे रीजनिंग में 50 में से। जो अभी प्रेजेंट टाइम का सीजीएल था 2021 जो था, अप्रैल में जो था, उसमें मेरे 44 मार्क्स है। और मैंने कुछ नहीं करा था, मेरे नंबर बहुत, पता है मेरे नंबर कैसे आते थे? 35 से 40 के बीच में आते थे। मेरे नंबर बढ़ ही नहीं पा रहे थे, मेरे नंबर 40 से प्लस हो ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अटक जाता था चीज़ों में, जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, ऐसी चीज़ों में अटक जाता था मैं। फिर मैंने रीजनिंग की बुक ली,
मैंने हालांकि पिनेकल को ही फॉलो करा, मैंने उस ईयर मैंने इस जो 6 महीने थे सिर्फ पिनेकल को फॉलो करा था, ठीक है। पिनेकल के सेट से लेकर के आया मैं सारे, और पिनेकल को ही सॉल्व करा, इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो। देखो पहली चीज़, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इस बुक का, मैं तुम्हें होनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ भाई, बहुत सत्य चीज़ बता रहा हूँ। तुमको अगर इसको फॉलो करना है तो करके देखो, नहीं करना तो तुम्हारी इच्छा है। अगर करोगे तो तुम खुद मेरे को रिप्लाई दोगे, ये मेरी गारंटी है, 1 महीने बाद जब तुम्हारे मॉक में नंबर आ रहे होंगे और तगड़े नंबर आ रहे होंगे। समझ में आया? तो देखो ये पिनेकल की बुक है, इसमें 4500 बुक्स है, क्वेश्चन है, TCS MCQs, समझ रहे हो। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है पीछे, एक्सप्लेनेशन तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं इसके कैसे है क्या है, क्योंकि मैं खुद ही कर लेता था सॉल्व, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती थी देख लेता था कभी एक दो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें चैप्टर वाइज दे रखी है तुम्हारे को, ठीक है। ये तो मेरे पास फर्स्ट एडिशन है शायद इसका, फर्स्ट है सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन है इसका, ठीक है। अब इसमें देखो CGL के आए हुए क्वेश्चन है, CPO के आए हुए क्वेश्चन है, CHSL के आए हुए क्वेश्चन है, MTS के आए हुए क्वेश्चन है। भाई इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं होने वाला है, तुम्हारा जो आने वाला पेपर है इससे बाहर नहीं होने वाला है। जो पेपर होगा सिर्फ इसी में से होगा, ठीक है। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जो होता है वो बाहर से आता है, थोड़ा सा टफ आता है, बाहर से भी नहीं आता, टफ आता है बस, जो टाइम टेकिंग हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, रीजनिंग में मेरे 44 नंबर आए थे, लेकिन मैंने रीजनिंग में 16 से 17 मिनट दिए थे तब जा करके मेरे इतने नंबर आए थे। पेपर में जब मैंने 16 17 मिनट दिए तब जा करके मेरी रीजनिंग सही हुई थी। और रीजनिंग में सबसे पहले अटैम्प्ट करता हूँ मॉक टेस्ट में, सोच करके देखो जब मैंने रीजनिंग दी होगी तो मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा कि यार मैंने रीजनिंग करी और इतनी तगड़ी तरीके से करी कि मज़ा आ गया था रीजनिंग में। क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा कि यार तुम्हारे शुरू में ही तुम्हें पता लग जाए कि यार इतने क्वेश्चंस मेरे सही रहने वाले हैं, तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो रीजनिंग ही एक एकमात्र ऐसी चीज़ है जो जिसको तुम 2 महीने में बहुत तगड़ी तरीके से कर सकते हो, बहुत तगड़ी तरीके से। मतलब रीजनिंग में तुम 100% है भाई, 40+ नंबर ले आओगे अगर तुमने तरीके से पढ़ाई करी है, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करी है। और इस बुक को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई ज़रूर सॉल्व करो, सच्ची चीज़ बता रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए कि इस बुक को सॉल्व करो, ठीक है। नंबर बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट दे के देख लेना, 1 महीने बाद खुद रिप्लाई करोगे मेरे को इसी चैनल पे कि हमारे नंबर बढ़ गए, हमको बहुत कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर 2018 से लेकर 2021 तक के, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है। पहले जीके को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जीके देखो यार समझो, जीके में तुम चीज़ें हैं, साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ है। तो तुम यार इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे 2 महीने में, तो तुम जीके को इस तरीके से लेकर के चलो कि मेंस के लिए लेकर के चलो जीके को, समझ रहे हो। प्रीलिम्स तुम्हारा क्वालिफाई है, अगर तुम अभी 50 में से 10 नंबर भी ले आओगे तो बहुत है, तुम्हारे पास 160 नंबर हो गए, समझ रहे हो कि नहीं। समझ रहे हो, समझाना चाह रहा हूँ। 150 नंबर तुम्हारे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हो गए, अगर तुम 10 नंबर जीके में से लिया तो 160 नंबर हो गए। अब समझना, मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि 150 नंबर में से तुम 120-130 नंबर भी लेकर के आते हो, तुम क्वालिफाई हो रहे हो, प्लस 10 नंबर इसमें से एक्स्ट्रा लेकर के आ गए तो तुम्हारे 140 नंबर हो गए। समझ में आया? इस तरीके से समझना चाहता हूँ तुमको क्वालिफाई करना है। अब जीके को तुमको डिसाइड करना है कि मैं हिस्ट्री को छोड़ूँ, ज्योग्राफी को छोड़ूँ, सिविक्स को छोड़ूँ, किसको छोड़ूँ, समझ रहे हो, किस चीज़ को छोड़ूँ और किस चीज़ को मैं एब्जॉर्ब करूँ, समझूँ मैं चीज़ों को, किस चीज़ को समझूँ, मैं किस चीज़ को पढ़ूँ, ये तुमको डिसाइड करना है। अगर मैं हूँगा तुम्हारी जगह तो मैं भी यही करूँगा भैया, तो मैं हिस्ट्री को पकड़ूँगा, मैं ज्योग्राफी को पकड़ूँगा और पॉलिटिकल साइंस को पकड़ूँगा, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हो गए, समझ रहे हो। और करंट अफेयर समझने की कोशिश करना, वैसे 6 महीने के बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन तुमको जो करना है सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए तुम्हारा, दिसंबर में पेपर है तो नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, ये तीनों तुमको तरीके से होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए इन 3 महीने के करंट अफेयर्स। उससे 3 महीने पहले के करंट अफेयर्स जो हैं वो भी तुमको जो 300-300 क्वेश्चन मिल जाते हैं तुम्हारे को आराम से मिल जाएंगे, जब तुम सर्च करोगे 1 महीने के 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उन चीज़ों को भी तुमको क्या करना है, 300-300 क्वेश्चन को भी तुम्हारे को पढ़ना है। तो अगर 6 महीने को इंटू 300-1800 क्वेश्चन तुम्हारे को पढ़े हुए होने चाहिए तरीके से करंट अफेयर्स के, 1800 क्वेश्चन 2000 के लमसम क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए होने चाहिए करंट अफेयर्स के, उसी में से स्टैटिक बनता है, ठीक है, समझ में आया। तो तुम्हें डिसाइड करना है आप कि तुम किस तरीके से करोगे जीके को, समझ में आया, ये तुम्हें डिसाइड करना है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम ये पढ़ो क्या वो पढ़ो, ठीक है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यार देखो सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है, ठीक है, वो ईजी पड़ी मेरे को, ठीक है, उसमें तुम्हारा फिक्स है कि यार दो क्वेश्चन तो फिक्स है, एक तो अमेंडमेंट्स वाला और एक तुम्हारा आर्टिकल वाला, तो भाई उधर से तुम दो क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो वो चीज़ जो फिक्स है ना चीज़ है, तुम जब पेपर देखोगे ना प्रीवियस ईयर तो तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि यार ये चीज़ फिक्स है, यार ये बार बार चीज़ें पूछ रहा है। तुम मॉक टेस्ट दोगे ना 10-15 तब तुम्हारे को समझ में आएगा कि यार ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ बार बार पूछ रहा है। तो उन चीज़ों को पढ़ने जाओ, समझ रहे हो, स्टडी स्मार्टर यार, ठीक है। और जीके तुम
जब पढ़ लो जो भी तुम डिसाइड करो, उसके बाद इसको जरूर सॉल्व करना। ये लूसेंट की ऑप्शनल बुक है, इसको जरूर सॉल्व करना। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, तुम्हारी और मेरी कंप्लीट बात हो चुकी है जीके की और रीजनिंग की। ठीक है, दो बुक बताइए अभी तक। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना इंग्लिश का। भाई इंग्लिश में ग्रामर तुमको पढ़नी है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हारे को, ये जो बुक है नीतू सिंह मैम की, कैडी कैंपस की जो बुक है, वॉल्यूम वन जो बुक है, इससे तुम्हारे को पूरी ग्रामर पढ़नी है। इसके जो पीछे के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो आए हुए हैं। इस बुक को तुमको पढ़ना है, पढ़ना है इन द सेंस मतलब तुम इसको रटने मत लग जाना, रट अपने आप जाएगी जब तुम इस बुक को 10 बार पढ़ दोगे। भाई इसमें ना एक चैप्टर जो है मैं आधे घंटे में पढ़ सकता हूँ, समझ रहे, रीड कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बता रखा है कि भाई किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होता है। तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर समझ में आ जाए ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, नहीं तो तुमको क्या करना है, इस बुक को कम से कम कम टाइम में ज़्यादा बार पढ़ना है। समझ में आया? कम से कम टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार तुमको पढ़ना है इस बुक को, तो तुम्हारी ग्रामर जो है, एरर्स जो हैं तुम्हारे सही होने लग जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत से लोग बोलते हैं कि एमबी पब्लिकेशन पढ़ो, एमबी पब्लिकेशन में बहुत सारी वोकैब हो चुकी है भाई। ठीक है, बहुत सारी, मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगा अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो मैं बोलता कि यार एमबी पब्लिकेशन पढ़ो, लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एमबी पब्लिकेशन को भी पढ़ लो, तुम इसको भी पढ़ लो, तुम्हें अलग से तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, नॉवेल्स भी पढ़ लो इंग्लिश सही करने के लिए। और समझ रहे हो ना, पेपर क्लियर होने के बाद तुमको 3 महीने मिलेंगे मेंस के लिए। लेकिन मैं जो तुमको प्यार से समझाना चाहता हूँ वो ये है कि भाई वही 4 साल, 2018 से लेकर 2021 तक के जितनी भी तुम्हारी वोकैब है, जितने भी इडियम्स फ्रेजेस है, जितनी भी तुम्हारी इन सिनोनिम एंटोनियम है, जितने भी तुम्हारे फ्रेजेस है, वो सब तुमको सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा जो वोकैब का टारगेट होना चाहिए वो है 2018 से 2021 तक का। ठीक है, 100% उसमें से रिपीटेड तुम्हारे को चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन जो है 2018 से लेकर 2021 तक का, ये देखो मेरे पास ये भी पिनेकल की है। ठीक है, नंबर तुमने देख ही लिए होंगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी बता रखा है इंग्लिश का, एक वीडियो ज़रूर बना रखा है मैंने। ठीक है, सेकेंड एडिशन है इसका और इसमें 299 सेट्स है। ठीक है, और ये मेरे पास, मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी जब मेरे को 2021 देना था। समझ में आया? तो ये मेरे को बहुत बेस्ट इसलिए लगी क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड चीज़ें हैं, 2018 से 2021 तक हैं। पहले इनको तो याद कर लो, अरे समझने की कोशिश करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो चीज़ों को। मैं इसकी कोई इतना वो नहीं है, मेरे को ये पैसे दे रहा होगा, प्रमोशन कर रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूँ चीज़ों को, प्रैक्टिकली सोचो चीज़ों को कि तुम क्या कर सकते हो 2 महीनों में, उस चीज़ को सोचो। 2 महीनों में जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ मैं उन्हीं पर टारगेट बता रहा हूँ आप लोगों को, यार मैं भी अगर करने जाऊँगा तो मैं यही करने जाऊँगा, मैं कम से कम चीज़ों को पढ़ने जाऊँगा और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने जाऊँगा। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मैं 1996 से लेकर के अभी तक के सीजीएल के क्वेश्चंस करूँ, तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम करते रह जाओगे, तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। 2018 से 2021 तक की जितनी वोकैब है, जितने ही पेपर है, समझ लो पेपर, जो भी सीजीएल ने कराए, जो भी CHSL में हुए हैं, जो भी CPO के हुए हैं, जो भी MTS के हुए हैं, इंग्लिश के जितने भी सेट्स हैं, वो सब तुम्हारे एक बार पढ़े हुए होने जरूर चाहिए। वो तुमको अगर ढंग से याद है, तुमको तरीके से वो चीज़ें सब कुछ याद है, तो तुम आराम से इंग्लिश में नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश की मैंने सिर्फ तुम्हारे को 2 बुक बताई है, समझ में आया? रीजनिंग की मैंने तुमको 1 बुक बताई है। भाई कम चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हारे को ताकि तुम खुद सोचो यार कि यार 2 महीने में कैसे तैयारी होगी। 2 महीने में बेस्ट तैयारी करने का तरीका यही है, इससे बेस्ट मेरे को कुछ भी नहीं लगता है जो होगा। तो देखो यार, मैथ्स की बात करें, अब मैथ्स का ऐसा है, मैथ्स का नहीं सभी का ऐसा है कि आपको कुल मिला के बात अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतनी सी है कि भाई 2018 से लेकर 2021 तक आपका मेन फोकस होना चाहिए, उसके अलावा आपको अभी किसी और चीज़ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ये 4 साल आपको बस, ये जो 4 साल में जितने पेपर हुए इनको शिद्दत से देखना है। और मैथ्स का भी यही बोलूँगा मैं आपको, देखो मैथ्स की बुक है पिनाकल की जिससे मैंने तैयारी करी थी। ठीक है, और इसमें आपको साफ साफ दिखा हुआ 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल। ठीक है भाई, आपके पास वो 90 दिन बचे भी नहीं है, तो आपको समझना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, कभी कभार हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है भाई, हमें रिस्क लेने पड़ते हैं तब जाकर ही बन पाएंगे हम। 2 महीने में आपको भी पता है, मुझे भी पता है सत्य क्या है। ठीक है, किस तरह की आप तैयारी कर सकते हो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, पहली चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपनी पढ़ाई को। अब
सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, सब चीज़ों से दूर हो। 2 महीने हैं, 2 महीने का मतलब आपको 12 से 13 घंटे आपको देने हैं। अगर आप बोलोगे और 12-13 घंटे पढ़ाई करनी है, भाई लाइब्रेरी में जाओ कभी देखो, लाइब्रेरी में जा करके लोग बाग 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आँखों से देखा है और मैंने खुद ने पढ़ाई करी है। यार लोगों की तो छोड़ो, जो चीज़ करो शिद्दत से करो, और अभी 2 महीने शिद्दत से अपनी पढ़ाई को दो अगर पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो इसके लिए ही बोलना चाहूँगा, इसमें 90 डेज़ का दे रखा है। तो आपको कुछ चीज़ें अब छोड़नी है, कुछ चीज़ें आपको मैथ्स में भी छोड़नी पड़ेगी। अगर इसकी बात करूँ तो भाई इसमें 23 चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं इसमें हटा दूँ आपके एडवांस, हटा दूँ एडवांस मैथ्स, ठीक है, तो आपके कम से कम 7-8 चैप्टर तो निकल जाएंगे। एडवांस मैथ्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप आराम से कर सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, और जल्दी जल्दी चीज़ों को करना है। इस बुक का मतलब है भाई 90 दिन, ठीक है, 90 दिन इसमें दे रखा है, ठीक है। अभी आपके पास 60 दिन है, और अगर आपने इस बुक को एक बार निकाला ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने इन बुक्स को सिर्फ एक एक बार पढ़ा है तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। सिलेक्शन तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस हो, आपके क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो सही हो, आपकी स्पीड जो वो बहुत तेज़ हो। भाई 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाने वहाँ पे नहीं लग पाते हैं, हाथ पैर धूझने लग जाते हैं। इस बुक को जब तक आप 3-4 बार नहीं निकालोगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, तब तक वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बुक में भी, और ये बुक नहीं लेनी है आपको, ठीक है। ये बुक तो फर्स्ट एडिशन है इसका, मैंने देखो कल ही मंगाया है, ठीक है। अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में मेरी इस नई बुक का। ये पिनेकल की ही मैथ्स की बुक है, ठीक है, और इस बुक का मैंने बहुत वेट करा है, इंतज़ार कर रहा था मैं कब से इसका कि आज ये बुक कब आएगी, ठीक है। ये रही इसका 3rd एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन जो है इस बुक का, ठीक है। ये रहा 3rd एडिशन, इंग्लिश मीडियम की है ये, ठीक है। 90 डेज़ इसमें भी वही लिखा हुआ है, सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, और सब दिखा हुआ है इसमें, चैप्टर वाइज कवरेज, ठीक है। 6800+ TCS MCQs, ठीक है, और बहुत प्यारी बुक है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको 2021 जो अभी अभी अगस्त में जो पेपर हुआ है, मेंस तक के जो क्वेश्चन है वो ही मिल जाएंगे। अभी तक मेरे पास इसकी पीपीटी थी, ठीक है, मतलब PDF थी, उससे मैं इसकी देख लेता था क्वेश्चंस वगैरह। देखो इसमें आपको साफ साफ दे रखा है CHSL के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। 2021 जो 2022 में पेपर हुआ CHSL का वो भी है इसमें। आपको CGL मिल जाएगा 2021 का हुआ, ठीक है, CPO मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा इसमें यार, ठीक है मेरे भाई। और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी बुक है ये, इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और इसमें से डिसाइड करो कि आपको क्या छोड़ना है और किन चीज़ों को आपको कैच करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इस बुक को लेना है आपको। 3rd एडिशन है, ठीक है, इसका कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत में बोला और अभी भी यही बोलूँगा, पिनेकल का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बस इसमें क्वेश्चंस दे दिए यार इस बुक ने बना करके, 4 साल के ही क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे बेस्ट बुक, बेस्ट चीज़ ये है इस बुक की कि इसने सिर्फ 4 साल के क्वेश्चंस दिए हैं, कम क्वेश्चंस दिए हैं और बेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं। और अभी जो है TCS जो है इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने इस बुक की अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने ही करी। अब आपको सोचना है मैथ्स में भी कि मैं 23 में से कितने चैप्टर कर सकता हूँ और उन चैप्टर को कितनी बार में कर सकता हूँ। कम से कम आपको 3 से 4 बार तो ये क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उनको 3 से 4 बार सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी जो है वो यही रहेगी। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करना, जैसे मेरा बैच चल रहा है, ठीक है, CGL के लिए मेरा बैच चल रहा है, यहाँ पे एक लाइट आ रही होगी, दिख रही होगी आप लोगों को लाइट, यहाँ समझो मेरा बैच चल रहा है जिसमें मैं 2018 से लेकर 2021 तक के जितने भी CGL ने क्वेश्चन पूछे हैं, CGL ने, CHSL ने, MTS ने और CPO ने, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। वैसे तो मैं अपने बैच में 6500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। प्लस मैंने क्या करवाया इस बैच में, हर चैप्टर का पूरा बेसिक डिटेल बताया। और आप मेरा अगर चैप्टर देखोगे, मैंने परसेंटेज पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, और मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं और वो सब जानते हैं मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वो लोग आज जब क्वेश्चन लगा रहे हैं ना कहीं और से, किसी बुक से लगा रहे हैं, तो उनसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया तो पहले ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी पढ़ाई, परसेंटेज को पढ़ाया तो पूरा परसेंटेज का थ्योरी पढ़ाई, अभी एलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो एलजेब्रा की पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बैच हो रहा है, इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप डिसाइड करें कि आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरे 23 के 23, तो आप देख सकते हैं उसमें, आराम से देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। और
आपको ये बुक भी सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा कोर्स ले लोगे तो। अगर कोर्स पढ़ लोगे तो आपको कहीं और से नोट्स वगैरह भी नहीं बनाने पड़ेंगे। यही मैं नहीं पूरा निचोड़ पढ़ा रहा हूँ मैं, एक तरीके से निचोड़ मतलब पूरा डिटेल में हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, हर चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप उसको पढ़ो, उसके बाद इस बुक को सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, इससे पढ़ो, मेरे से पढ़ो आराम से आप, और ये जो कोर्स है इसको पढ़ो, उसके बाद इस बुक को सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको तमीज़ से पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनको ढंग से देखो, फिर इस बुक पे जाओ सॉल्व करो, 100% बन जाएगी। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना इस चीज़ को कि भाई मैथ्स किस तरीके से करनी है, ठीक है। एक बार तो अगर आप मेरे से भी नहीं पढ़ रहे, कहीं और पढ़ रहे हो, आपको ये बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उस बुक को पहली बार तो पूरा पूरा सॉल्व करना है आपको, समझ गए। जो भी आपने चैप्टर सेलेक्ट करे, सपोज करो आपने 16 चैप्टर सेलेक्ट करे, तो इन 16 को आपको कैसे निकालना है, पहले ये वाला चैप्टर निकाला, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, चौथे पे गए, पांचवे पे गए, और 16 तक इसी तरीके से निकालना है। लेकिन जब मैं दूसरी बार सॉल्व करूंगा तब इस तरीके से नहीं करना है, आपको टारगेट बनाना है कि मैं मैथ्स में आपको अपनी स्पीड जज करनी है कि मैं मैथ्स में 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपने 4 घंटे निकाले, सपोज करो आप 4 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको 5 चैप्टर उठा लेने हैं, क्या शुरुआत के 5 चैप्टर उठा लेने हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इससे क्या होगा, देखो पेपर में जो होता है, आप पेपर को समझो, पेपर में होता है आपके एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जब आप एक चैप्टर पर काम करो तो उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिमाग चलने लग जाता है आपका, लेकिन जब दूसरा चैप्टर आता है अचानक से तो उस चैप्टर में आप उसको देखते हो और क्वेश्चन को देखते हो, सोचते हो कि यार यार क्या मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है जब आप दूसरी बार जब बुक को सॉल्व करने जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया, जब दूसरी बार आप बुक को सॉल्व करने जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर उठाया, इसके मैंने 30 चैप्टर उठा लिए, 30 क्वेश्चन उठा लिए, इसके भी 30 उठा लिए, इसके भी 30, इसके भी 30, इसके भी 30, ऐसे मिला करके 150 क्वेश्चन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, 150 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे। अब इससे क्या होगा, आपका दिमाग सारे चैप्टर्स में चलना चालू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सारे चैप्टर्स में चलना चालू हो जाएगा आपका दिमाग। इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। फिर जब तीसरी बार दे रहे होंगे आपको क्या करना होगा, तीसरी बार जब दे रहे होगे तो 10 चैप्टर उठाना, और 10 चैप्टर में जिन चैप्टर में कम क्वेश्चन है उनमें से कम क्वेश्चन लेना है, जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा क्वेश्चन लेना है। और अब की बार आपकी स्पीड जो 2 बार हुई होगी ना, इससे और इससे, मतलब यहाँ पे आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 4 घंटे में, यहाँ पे आप शायद हो सकता है कि 160-170 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 4 घंटे में, लेकिन जब तीसरी बार सॉल्व करोगे तो 4 घंटे में हो सकता है आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ आराम से। समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे आपको जो समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, और आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरा कोर्स कंप्लीट होता है मॉक टेस्ट क्यों दूँ। मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब है आप पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इसलिए मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट आपको अच्छे से अच्छे देने हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है आपको अच्छी तरीके से। एक आपको प्रीवियस ईयर मॉक देना है, ठीक है, 2018 से देना चालू करना, 2018-17 और उसका देना, 2018 से पहले का पेपर आप देखोगे ना तो ईजिली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उनमें। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ समझ में आया, मॉक टेस्ट आपको एक देना है प्रीवियस ईयर, एक देना है जिस पे भी आप दे रहे हो, टेस्ट बुक पे दे सकते हो, ठीक है, और ग्रेड अप हो गया। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप एसएससी ट्यूब हर संडे को पेपर लेता है, एक लाइव टेस्ट लेता है, उसको ज़रूर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर होता है वो, बहुत लेवल का पेपर होता है, उससे आपको आपकी सच में जो रियलिटी है वो पता लगेगी। और बिल्कुल जो एग्ज़ाम में होता है उसी तरीके का पेपर होता है वो, उसी तरीके का फॉर्मेट होता है उसका एसएससी ट्यूब का, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो उसी तरह का फॉर्मेट होता है। टेस्ट बुक पे तो आप फिर भी माउस से बहुत सारी हेल्प ले लेते हो, लेकिन एसएससी ट्यूब जो पेपर करवाता है नेक्स्ट लेवल का पेपर करवाता है, ऑनलाइन पेपर होता है वो, संडे को पेपर होता है हर संडे को, ठीक है, तो उसको ज़रूर दें आप। मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तीन जो तरीके मैंने मतलब 3 स्टेप बताएं आपको मैथ्स को पढ़ने के। पहली बार में आपको एक एक चैप्टर को सॉल्व करना है, दूसरी बार में आपको 5-5 चैप्टर को लेना है, तीसरी बार में आपको 10 चैप्टर को लेना है, जिनमें कम क्वेश्चन है उसमें से कम क्वेश्चन उठाने हैं, जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा क्वेश्चन उठाने हैं, और टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। भाई 4 घंटे मैंने मैथ्स के दे दिए, 4 घंटे आपको रीजनिंग के भी लगेंगे क्योंकि आपको 200-200, 300-300 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको दिख पता है कि 5000 क्वेश्चन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा आपको चीज़ों को लेकर के। अजम्पशंस पे मत चलना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है अजम्पशंस पे। आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा, तब जाकर के पेपर क्लियर होगा। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पकड़ कर चलना पड़ेगा। समझ में आया जो समझाया आपको मैंने, आपको मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए बता दिया किस तरीके से करना है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आप ही डिसाइड करते हो, कर सकते हो, इस चीज़ को समझो मेरी बात को ध्यान से, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता कभी भी कि भाई तू ये पढ़ ले या वो पढ़ ले। हर इंसान को पता होता है कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो आप ही को ही पता ही होगा, आपको ही पता होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है आपको। समझ में आया, ठीक है, तो यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना,
ठीक है, इससे प्यारी स्ट्रेटजी कुछ हो नहीं सकती। मॉक टेस्ट कैसे देने सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, दो चार वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसे वैसे मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बनाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो तुम लोग मेरे से जुड़े हुए हो, तुम्हारे को ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस तरीके से तैयारी करनी है। तो ऐसे दो चार वीडियो और आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।